2023 विधानसभा की अपनी गरिमामय परंपरा रही है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब सम्मान के साथ सुनते रहे हैं। केवल मीडिया में छपने के लिए, अलग दिखने के लिए, सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। अब ये ट्वीट से बहिष्कार क्या है? क्या सोशल मीडिया पर ही सब कुछ होगा? क्या सदन की गरिमा को खंडित और तार का तार किया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को ट्वीट से ध्वस्त कर दिया जाएगा? मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये कहा कि ये गलत परंपरा है और जिसने ये किया है आसंदी के सामने सवाल उठाए। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नरोत्तम जी ने मामला उठाया है, उन्होंने गंभीरता से लिया है और ऐसे कदाचरण पर आसंदी फैसला करेगी, कदम उठा देगी। जो जबरदस्ती आंखें बंद किए हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, जो बहरेपन का ढोंग करते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन कोविड की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के मंत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वो बनाने के लिए जो कुछ किया गया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। इतनी कठिन परिस्थितियों में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आने दी, अधोसंरचना के विकास के लिए विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च किया है। फिर समाज के अलग अलग वर्गों के, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है कि फसल बीमा योजना का 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। 3,000 करोड़ रुपया पहले अलग से आरबीसी 6-4 के अंतर्गत दिया गया था। 10,500 करोड़ से अधिक रुपए की राशि फसल के नुकसान के किसानों को मिली है, 49 लाख किसान परिवारों को। किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए गए और उसी को रेखांकित महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है।